इवनिंग, कैसे हो आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे, चल जाएगा। और ये बीबू आके मुझे बार बार देख रहा है, ये देखिए। हेलो बोल दो बीबू। हेलो फ्रेंड, कैसे हो? हम जो जो बटन है तो आपको सब्सक्राइब करना, और आपको आपको जो आप वीडियो देख रहे हो आपको दो तो मिला, वो सब्सक्राइब कर मत भूलिए और सब्सक्राइब करिए। इसका तो एक बार स्टार्ट होता है तो बंद ही नहीं होता, वो बात करना लग जाता है। और वो ये कह रहा था कि आप जो वीडियो देख रहे हो ना, उसके लिए आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वो वही देख रहा है क्योंकि बच्चों को आजकल सब कुछ पता रहता है, वो भी वीडियो देखते हैं और वीडियो में वो मतलब बोलते हैं ऐसे कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो वो जब जैसे मैं बोल रही हूँ अभी तो उसका पता चल गया, तो आके वो भी बोलना स्टार्ट कर दिया। तो बस फ्रेंड, आज मैं वही चिकन बिरयानी बनाने वाली हूँ और आपको दिखाने कितना वाली थक हूँ। गया हाँ, तो आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं, कैसे और मैं ये बना रही पकड़ हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप जो है बासमती चावल को भिगो के रखने के लिए, तो जो कि मैंने ऑलरेडी भिगो के रख दी हूँ। और सेकंड में ये फ्राइड ऑनियन बना रही हूँ, तो ऑनियन को तलने के लिए मैं ये कढ़ाई पर तेल डाली हूँ। और मैं ये दो बड़े साइज के जो प्याज है उसको अच्छी तरह से स्लाइसेस में कट कर दी हूँ। अब मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। ये मैं हाफ के जी चिकन का दिखा रही हूँ। हाफ के जी चिकन के लिए मैं दो ऑनियन को फ्राई कर रही हूँ। और ये देखिए, ये है हाफ के जी चिकन, इसको मैंने अच्छी तरह से धो दी हूँ। अब इस चिकन बिरयानी में मैं ये सब मसाले यूज करूँगी। और ये देखिए, ये जो प्याज मैंने तल रही थी ये अभी बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब मैं इसको निकाल दूँगी। अब ये देखिए, ये जो बासमती चावल मैंने भिगो के रखी थी, ये मैंने कम से कम 1 घंटे के लिए भिगो के रखी थी। अब मैं इसको बॉईल कर लूँगी, मतलब चावल बना लूँगी इसका। और ये देखिए, ये चिकन मैंने अच्छी तरह से धोती हूँ। अब इसमें मैं मसाले ऐड कर रही हूँ, लाइक इसको मैरिनेट कर रही हूँ। तो पहले मैं स्वाद अनुसार नमक डालूँ, और नमक थोड़ा मैं ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि चावल के हिसाब से मैं चिकन में ही नमक डाल रही हूँ। और ये हल्दी डाल रही हूँ। अब ये मिर्ची का पाउडर, ये है धनिया पाउडर, ये 1 टेबल स्पून है। ये है जीरा पाउडर, ये भी 1 टेबल स्पून। और ये है चिकन मसाला, ये भी मैं सेम 1 टेबल स्पून ही ऐड कर रही हूँ। ये है बिरयानी मसाला। आप अगर मेरे पिछले वाले वीडियो में देखे होंगे, जैसे कि मैंने उसमें बिरयानी मसाला का रेसिपी डाली थी जो कि होममेड बिरयानी मसाला है, ये मैं वही बिरयानी मसाला यूज कर रही हूँ। ज़्यादातर मैं होममेड बिरयानी मसाला ही यूज करती हूँ हमेशा। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ये 2 बड़े चम्मच के बराबर है अदरक लहसुन। और ये पुदीने के पत्ते, और ये धनिया के पत्ते, और ये है 2 हरी मिर्च। मैंने इसको अच्छी तरह से मतलब थोड़े खड़े खड़े जैसे कि काट स्लाइसेस में कट करती हूँ। और ये है 3 बड़े स्पून के बराबर दही, और ये देसी घी है। देसी घी में 2 बड़े स्पून ऐड कर रही हूँ। देसी घी से इसका जो स्मेल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अब देखिए, अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसको मिक्स करने के बाद हमें कम से कम आधे घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है। आप चाहो तो इसको फ्रीज में भी रख सकते हो, जैसे कि अभी सर्दी का मौसम है तो मैं इसको ऐसे ही रख दूंगी बाहर। और ये है फ्राइड ऑनियन जो मैंने उस टाइम फ्राई की थी, अब इसको भी मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड कर दी हूँ। अब ये देखिए, ये जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखे थे, ये अभी आधे घंटे के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये है वो फ्राइड ऑनियन। और ये है जो मसाले, जैसे कि
खड़े मसाले मैं कुछ यूज करूँगी बिरयानी में, तो ये है ग्रीन कड़मम और ये काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और ये जो बड़े साइज के जो इलायची आते हैं वो, और ये जावित्री के फूल, तेज पत्ते। बस रेगुलरली जैसे कि गरम मसाले में जो जो यूज किया जाता है वही यूज कर रही हूँ। आप इसमें अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हो, या फिर एक दो इंग्रेडिएंट्स आप अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो। तो ये जैसे कि मेरे पास सारे इंग्रेडिएंट्स थे तो मैं सब ऐड कर रही हूँ। और ये देखिए ये मेरा चावल जो है वो पक गया है। इसको मैंने लगभग 60% या 65% तक ही इसको कुक की हूँ, पूरा कुक नहीं करना है। अब ये मैं कढ़ाई में तेल डालती हूँ, ये वही तेल है जिससे मैं ऑनियन फ्राई की थी। अब इसमें मैं ये जो खड़े मसाले जो सब है वो ऐड कर दूंगी, और ये अच्छी तरह से थोड़ा इसका स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगा तब मैं ये बड़े साइज का एक प्याज है उसको ऐसे स्लाइसेस में कट कर दी हूँ। अब ये ऑनियन बस थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, रेड नहीं करना है, बस थोड़ा सा सॉफ्टनेस आ जाए, मतलब थोड़ा सा जैसे कि ट्रांसपेरेंसी हो जाए, तो मैं इसमें ये जो मैरिनेट किया हुआ चिकन उसको ऐड कर दूंगी। अब इसी मसाले में जो मैरिनेट किया हुआ चिकन को हम यहीं पर ऐसे अच्छी तरह से भून भून कर पकाना है। ये लगभग हमें इसको चिकन को लाइक 70% तक कुक करना है। इसको हमें ऐसे ढक कर पकाना है और बीच में थोड़े थोड़े जैसे कि पानी डालकर इसको पकाते रहिए, नहीं तो वो जो मसाला हमने दही वगैरह ऐड की थी वो जलना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए ये चिकन मेरा स्टेज पर बन गया है, मतलब अच्छी तरह से कुक हो गया है। मैं इसमें थोड़ा सा ग्रेवी रखी हूँ। अब हम जो बिरयानी है जो लेयर बाय लेयर बिरयानी बनाएंगे, तब मैं फर्स्ट लेयर में मैं ये चावल डाल रही हूँ, उसके ऊपर मैं ये जो पका हुआ चिकन है उसको ऐड करूँगी। अब इसमें जो भी मसाले हैं लाइक ये फ्राइड ऑनियन इसको मैं यहाँ पर ऐड करूँगी। पूरा ऐड नहीं करना है एक ही बार में क्योंकि हम ये लेयर बाय लेयर बना रहे हैं, तो एक ही लेयर में बस थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और ये जैसे कि जो धनिया पत्ता और ये पुदीने के पत्ते ये सब भी हमें इसी यहाँ पर ही ऐड करना है। और ये है बिरयानी मसाला, इसको भी मैं बस थोड़ा सा टीस्पून के बराबर ही ऐड कर रही हूँ। और ये है दूध, दूध में मैं ये फूड कलर ऐड की हूँ, और मेरे पास केसर नहीं था। अगर आपके पास केसर है तो दूध के साथ केसर ही ऐड कीजिएगा, मेरे पास नहीं था तो मैं ये फूड कलर यूज कर रही हूँ। और ये ऊपर से ये मैं देसी घी ऐड कर रही हूँ। अब मैं ये दोबारा वही स्टेप फॉलो करना है जैसे कि पहले स्टेप में हमने फॉलो किए थे, वही सेम लाइक चावल डालना है, फिर चिकन डालना है, फिर जो भी मसाले लाइक बिरयानी मसाला और ये जो फ्राइड किया हुआ अनियन और धनिया पत्ता और पुदीने के पत्ते ये सब ही ऐड करना है, मतलब बिल्कुल लेयर बाय लेयर बनाना है, तो वही स्टेप ही फॉलो करना है। ये देखिए ये फाइनल स्टेप मेरा हो गया है। और ये थोड़ा फूड कलर ऐड करने से ना, या फिर केसर भी बोल दीजिए, केसर भी ऐड करने से ना थोड़ा जो रेस्टोरेंट टाइप जैसा कलर आता है वैसे ही आएगा। और ये थोड़ा मतलब स्मेल डालने के लिए मैं इसमें ये केवड़ा वाटर यूज कर रही हूँ। आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, ये बिल्कुल ऑप्शनल है आपके मर्जी के अनुसार। तो ये मैं केवड़ा वाटर यूज कर दिया। अब मैं इसको फॉइल पेपर से अच्छी तरह से कवर कर दूंगी, जैसे अंदर का जो गैस है जो इसका महक है वो बाहर नहीं आना चाहिए। और इसको मैंने 15 मिनट के लिए ऐसे बिल्कुल लो फ्लेम पर ही रखी थी। ये देखिए ये 15 मिनट के बाद का जो है वो दिखा रही हूँ। देखिए ये जो चावल वगैरह जो जैसे कि मैंने बोली थी 60 से 65% तक ही कुक करना है, अब ये बिल्कुल 80% तक कुक हो गया है। चावल को हमें कभी भी बिरयानी में खास करके 100% कुक नहीं करना है, नहीं तो वो खिला खिला नहीं बनेगा। अब ये देखिए
कितने अच्छे तरह से खिला खिला बन गया है, और जैसे कि फूड कलर की वजह से थोड़ा कलर भी आ गया है चावल में, लाइक ऑरेंज टाइप कलर आ गया है। अब मैं आपको ये प्लेटिंग करके दिखा रही हूँ, ये देखिए। ये फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, लाइक दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये करना है वो करना है, बहुत तामझाम जैसा दिख रहा है, पर जब आप बनाओगे घर पर ट्राई करोगे तब आपको पता चलेगा इसका टेस्ट इतना अच्छा आता है। और ये तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।